आप देख रहे हैं CN24। प्रशासन का सख्त रवैया। जी हां, शहर में होने वाली कार्रवाई को देखकर तो यही लगता है कि प्रशासन इस बार कुछ ठोस रवैया अपनाने की तैयारी में है। आज गोरखपुर के आला अधिकारी कुछ अलग ही तेवर में नजर आए। एसएसपी गोरखपुर शलभ माथुर के दिशा निर्देश का पालन करते हुए एसपी सिटी ने अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें विभिन्न शराब की दुकान, मॉडल शॉप, मुख्य होटलों और रेस्टोरों में छापेमारी शामिल थी। वहीं एक तरफ जहां शराब पीने वालों पर नकेल कसी जा रही थी, तो दूसरी तरफ दोपहिया वाहन पार्किंग पर भी रोकथाम की तैयारी हो रही थी। बताते चलते हैं कि इन सब के बीच लोगों से पूछताछ की जा रही थी और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा रहे हैं, जिसमें जुर्माना और सजा जैसी चीजें शामिल हैं। ये कदम अवश्य ही सराहनीय है, पर सवाल ये है कि क्या ये पहली बार हो रहा है, और अगर नहीं तो इसका असर कब तक बरकरार रहेगा। आज शहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे शराब की दुकानें, उसमें मॉडल शॉप, बियर की दुकानें, अंग्रेजी दुकानें और देशी लेकर की दुकानें और बाकी जो बिरयानी की दुकानें हैं या जहाँ पे नॉनवेज रेस्टोरेंट या होटल्स, उनकी चेकिंग कराई गई। यहाँ पर हम लोगों ने स्पेसिफिक ऐसी गाड़ियों को भी चेक किया है, अपाची, पल्सर या रेसर गाड़ियाँ जिनकी नंबर प्लेट अधूरी थी या नंबर प्लेट टूटे हुए थे या नंबर नहीं पड़े थे। लगभग दर्जनों गाड़ियों को हम लोगों ने थाने भिजवा दिया है, उनके नंबर चेक कराए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बियर की दुकान पे ऐसे सबूत मिले कि वहाँ बियर का जो सेल्समैन था दुकान, मतलब दुकान का, वो खुद दारू पिलवा रहा था, बियर पिलवा रहा था, उसके खिलाफ रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। एक मॉडल शॉप पे 10 बजे के बाद भी कुछ लोग दारू पीते मिले हैं वहाँ पे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की। अभियान चलेगा नहीं, अभियान फिर मतलब आकस्मिक रूप से अभियान चलेंगे, आकस्मिक रूप से नहीं। आप देख रहे हैं CN24।